तो गाइज यहाँ बहुत बड़ा सीन हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो बाइक फंस गई है मेरी। माली जान की कुर्बानी देंगे आप वापस। 100 मीटर दिख रहा है मुश्किल से, 100 कहाँ यार, 50 मीटर भी नहीं दिखता होगा, इतनी ज़्यादा धुंध है। नीचे प्लेन जगह कितनी है यार, भाई मज़ा ही है। हम रहते थे यहाँ पे, हमारे स्कूल के पीटी मास्टर रहते थे, तो वो ना हमसे ज़मीन में खाद डलवाते रहते थे यार। भाई सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब खरीत होंगे। गाइज आज हम जा रहे हैं थोड़े से राउंड के लिए, एक चक्कर मार आएंगे। तो ये रही मेरी हेलमेट, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि आज मैंने स्वेटर भी डाला हुआ है। आज 8 जुलाई है आज यार, 8 जुलाई है, फिर भी मैंने स्वेटर डाला है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि इतनी ज़्यादा ठंड है, और हम एक चक्कर मारने के लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल तो बारिश भी हो रही थी, अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ चक्कर लगाने के लिए। और बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने मेरे बिना भी स्वेटर पहना हुआ है, मतलब किस किस को ठंड लग रही है जुलाई में भी। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। अभी हम यहाँ पे बंद हो गए हैं, देख रहे हो आप कितना पानी सामने, और गारा देख रहे हो आप। अभी मैंने इस पानी के बीच में से जाना है, क्योंकि यहाँ पे लाल मिट्टी और स्लिप बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं आगे क्या होने वाला है, मुश्किलें तो बहुत आ रही हैं, अभी बारिश भी आने वाली है। तो हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं अब उठा के निकालनी पड़ेगी या फिर चला के निकालनी पड़ेगी। माली जान की कुर्बानी देंगे आप वापस। ये देखो भाई, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है, और हमने ना बाइक इसी के बीच में से निकाली है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा था, और मौलवी साहब भी ना बड़े भीग गए। अब हमारी हालत भी काफ़ी ख़राब होगी, शुक्र करो मैं चप्पल लगा के आया था। तो अभी हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, अब निकलते हैं आगे क्योंकि बारिश आने वाली है। तो गाइज़ यहाँ बहुत बड़ा सीन हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो बाइक फंस गई है मेरी, ना आगे निकल रही है ना पीछे जा रही है। देखो आगे वाला टायर कहाँ फंसा हुआ है, और स्टैंड भी नहीं लगा, पूरा पत्थरों पे चढ़ गई है बाइक। यहाँ पे ना ऊपर से ये टूट के आई हुई है थोड़ी ज़मीन, तो बाकी बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया। अभी मैंने लड़के एक को बुलाया है, वो भी आ रहा है, तो परेशानी हो गई यार, ऐसे ही सीन क्रिएट हो गया, मतलब पता नहीं क्या हुआ सुबह सुबह, किसका मुँह देखा। तो फिलहाल अभी बंदा एक आ रहा है मेरी हेल्प करने के लिए, एक और बुलाया है मैंने, तो ऐसे तो निकाल ही देता, पर वज़न थोड़ा ज़्यादा है ना, तो आगे पीछे पत्थर हैं, पत्थरों पे चढ़ नहीं रही है, तो इसलिए ना मतलब थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तो हालत आप देख रहे होंगे ख़राब हो गई है। तो भाई ये लगाई है हमारे तौसीफ़ भाई ने बुलेट साइड। हमने ना यहाँ पे जो वाली ये इसके वाले लेग गार्ड है ना, ये यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ऑफ रोड करना पड़ता है, तो इस वजह से ये वाले हमने लेग गार्ड इसमें लगाए हैं बड़े वाले। तो बाकी यहाँ की देखो यार ज़मीन, आह हा हा, देख रहे हो लोकेशन कितनी प्यारी है यार। ये वाला मोड़ देखो यार, क्या गज़ब लग रहा है, मज़ेदार मोड़ है ये। तो केवल है, केवल इस जगह का नाम है केवल, ये अपना डिस्ट्रिक्ट रजौरी का एक तहसील है जिसका नाम बुद्दल है। तो वहाँ देखो नीचे गाड़ी जा रही है, देख रहे हो कितना मतलब प्यारा सा मोड़ है यार ये। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, और हम तेल वगैरह ना यहीं से डलवाते हैं। बाकी आप देख सकते हो नीचे प्लेन जगह कितनी है यार, भाई मज़ा ही है, इन लोगों के तो मज़े हैं। बाकी धुंध देखो यार, सावन का यही मज़ा है। अभी जब मैं आ रहा था ना, तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, और मेरे को ना रास्ता भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं 10-15 की स्पीड से चल रहा था, तो घर से तो आया मैं, अब वापस घर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है सावन के मौसम की वजह से ना, मतलब रोड वगैरह ख़राब होते हैं। अभी हमारे तौसीफ़ भाई का घर यहाँ बुद्दल में भी है, अब इसके पास हम रुके हुए हैं। अब देखते हैं, इंशाल्लाह सुबह घर चले जाएँगे, अगर मौसम ठीक हुआ तो घर निकल जाएँगे। और हमने सोचा कि आज का व्लॉग हम यहीं बुद्दल में ही रह कर शूट कर लेते हैं, तो अभी हम बुद्दल वाली साइड जाएंगे, वहाँ की लोकेशन भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ से निकलते ही बुद्दल की जो सिटी है वो यहाँ से दिख जाएगी निकलते ही। तो चलते हैं आगे। तो भाई कैमरे ख़राब हो गए हैं सारे के सारे हमारे, कुछ नहीं दिख रहा है, ये धुंध है। धुंध की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है भाई। कैमरे पे पानी आ गया भाई, इस वजह से ना ब्लर आ रहा है थोड़ा। तो चलो
चल जाएगा, फिर अभी तो रुक नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है। अभी हम निकलते हैं यहाँ से। ये हमारे बुद्दल की छोटी सी एक सिटी तहसील है ये। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ना हमारे तोसीफ भाई बाइक चला रहे हैं। जबरदस्त, अगर मैं मोड़ तो ना मोड़। भाई ये ना सिटी ख़त्म हो गई यहाँ से। अभी ऊपर और भी है, हमने यहाँ से नीचे जाना है, राइट टर्न लेना है हमने यहाँ से। सिटी यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे देख रहे हो आप ईदगाह वाली सड़क जो है उस पर हमने निकलना। अब हम ईदगाह वाली सड़क की तरफ निकल रहे हैं। थोड़ा मौसम खराब, देखो भाई ये हमारा रोड है, मतलब ही नहीं रहा, कुछ ही नहीं कह सकते। देख रहे हो आप 100 मीटर दिख रहा है मुश्किल से। 100 कहाँ यार, 50 मीटर भी नहीं दिखता होगा, इतनी ज़्यादा धुंध है। क्या करें, ये यहाँ का छोटा सा हॉस्पिटल है। भाई ये हमारे तोसी भाई देसी अंडा है, देसी अंडे खाते हुए और मुझे भी दिया है। बड़ा टेस्ट आ रहा है अंडे खाने में, बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारे दाई ने यहाँ पे एस्ट्रे रखी हुई है, देखो किस तरह से इन्हें सजाए। पता नहीं कोई जोक मारा और इनकी नाक से अंडा बाहर आता हुआ। मैं तो जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो अब हमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं होता था, आप छोटे होते हैं यार। तो यहाँ पे ना एक जगह हम रहते थे, ये सामने आप देख रहे हो वो आगे वाली छत जो है ना, जहाँ पे ये दुकान है, इनका गेट जो है इसके साथ पे भी एक कच्चा सा छोटा सा छोटा सा कमरा है, तो उसमें हम रहते थे। यहाँ पे हमारे स्कूल के पीटी मास्टर रहते थे, तो वो ना हमसे ज़मीन में खाद डलवाते रहते थे यार। भाई मुझे अभी वो चीज़ याद आई कि हमारी धुलाई किस किस तरह से लोगों ने की है भाई, हमारा कितना फ़ायदा उठाया लोगों ने, समझ नहीं आ रही है हम हैं क्या। ये वाला घर देख रहे हो आप भाई, इधर की कम से कम 20-25 कनाल ज़मीन है पीटी साहब की। तो चलो अल्लाह उनका भी भला करे, हमारा भी भला करे। तो उन्होंने अच्छी खासी हमारी ली थी, तो चलो उनकी बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे। काम करने से कोई मरता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को याद आ रहा है ये ज़मीन है नीचे जहाँ पे हमने खाद डाली, ये पूरी की पूरी ज़मीन है भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी ना, और गर्मी में जब मक्की का वो मतलब होता ना, गर्मी में कोई भी तेज़ सी चीज़ अगर लग जाए ना मुँह पे, तो ऊपर से पसीना आता तो बंदा ना मुँह कट ही जाता पूरा, तो हमारी बुरी हालत होती थी। अब हम कह भी नहीं सकते थे कुछ, डरते थे। तो चलो अच्छी बात है, आज यहाँ आके कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं पुरानी। अभी हम जा रहे हैं वापस रूम में, तो देखते हैं क्या होता है। गाइस आज का व्लॉग इतना ही, कैसा लगा आज का व्लॉग, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आती रहे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।